फ्रेंड्स, राजश्यामा खन्ना रसोई में आपका फिर से वेलकम है। मैं आज आपके लिए एक बहुत इजी सब्जी लेके आई हूँ। ये मेरी सब्जी है आलू टमाटर की। इसके लिए मैंने एक चम्मच ऑयल डाला है, एक चम्मच देसी घी डाला। आप इसे कड़वा तेल या रिफाइंड ऑयल में भी बना सकते हैं। अब इसमें मैं एक पिंच हींग डालूंगी, आधा चम्मच जीरा डालूंगी, थोड़ा सा नमक डालूंगी, आधा चम्मच नमक डालूंगी, ये देखिए नमक डालूंगी। और मैं ये मैंने टमाटर, ये एक टमाटर है मैंने काट के पहले से चॉप करके रख लिया है। अब मैं इसको अभी इसमें डाल दूंगी। अब मैं इसको अच्छे से चलाऊंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा आलू मेरा टमाटर थोड़ा सा गल गया है। अब मैं इसके अंदर हल्की सी ये रोगनी मिर्च डालूंगी, कस्तूरी लाल मिर्च डालूंगी और अब मैं इसको अच्छे से चला दूंगी। इसके अंदर आज ही मैं टमाटर आलू की सब्जी पॉपकॉर्न डाल के बना रही हूँ। इसके लिए मैंने ये एक कप पॉपकॉर्न लिए, इसको भी मैं इसके अंदर डालकर अच्छे से चला दूंगी। और मैंने ये पांच सात आलू उबाल के छील कर रखे हैं। मैं ये आलू भी इसके अंदर मिक्स कर दूंगी। दो मिनट अच्छे से चलाने के बाद सारी चीज़ों को मैं इसके अंदर प्यूरी बनाने के लिए पानी ऐड कर दूंगी और अच्छे से खौला के दो मिनट अच्छे से खौलाऊंगी। ये फ्रेंड्स, हमारी पॉपकॉर्न और मखाने की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। इसको मैं अब बॉल में सर्व करने जा रही हूँ। यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी वीडियो देखने के बाद, और वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी पॉपकॉर्न मखाना आलू टमाटर की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। प्रणाम जी।